सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते वेद के विद्वान है, तेरा गजब है। अरे ये सतयुग में ये मंदिरों का लठी कटवाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखे सारा अपने स्वार्थ, बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी इनकी मौज माच की। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो, अब यहाँ क्या बता। देखी ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति, अब कलियुग के ब्राह्मणों की स्थिति थी। और सुन लो इसी पवित्र पुराण में, धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था, सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्मा परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बांचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे भूल गए सृजन हारा। वेद पढ़ने भेद नहीं जाने अरे ये बातचे पुराने 18, और कह कहेगा पता नहीं देन पुराण पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है, यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। परात्माओं जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा हटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं, नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा, और कोई भी नहीं कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेनों का छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई सुन लो ये उस कबीर धारणक न भगवान बतावे, यानी हजार लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे। और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करणिया नहीं होगा, वो न्यू कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड, कबीर तो परमात्मा ही थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है, सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है।